नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैपिटल टीवी बिहार में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेथानी। आरजेडी सुप्रीमो लालू और उनके परिवार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। अब ईडी और सीबीआई एंट्री के मुद्दे को लेकर महागठबंधन और बीजेपी के नेता आमने सामने हो गए हैं। क्या ये पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट में। बिहार में महागठबंधन के सभी दलों की तरफ से ईडी और सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगाने की मांगें जोर पकड़ रही है। इसके लिए महागठबंधन के नेताओं की मांग है कि ईडी और सीबीआई पर चेक एंड बैलेंस के लिए संसद में इससे जुड़ा कानून लाया जाए। वहीं इस मांग पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया साफ है, जहां बीजेपी का साफ जवाब है कि बिहार में ऐसा कोई कानून नहीं बनने दिया जाएगा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सीबीआई और ईडी की बिहार में डायरेक्ट एंट्री पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। इसको लेकर सरकार को कानून बनाना चाहिए, जिससे सीबीआई और ईडी की बिहार में डायरेक्ट एंट्री के लिए पहले सीबीआई ईडी को बिहार सरकार से अनुमति लेनी पड़े। इसी को लेकर आरजेडी विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, जहां पार्टी का कहना है कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक ताकत का दुरुपयोग बंद नहीं हो पाएगा। महागठबंधन तमाम दावे पेश कर रहा है, जिससे आरजेडी और लालू का दामन साफ हो जाए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार के खिलाफ ईडी को कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में बीजेपी की बिहार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर जेडीयू के विधायक संजय सिंह ने भी आरजेडी के साथ स्वर मिलाते हुए कहा कि बिहार में सीबीआई और ईडी की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। संजय सिंह ने आगे कहा कि बिहार सरकार को ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर नियम बनाना चाहिए, ताकि अगर कार्रवाई करनी है तो पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़े। इससे केंद्र सरकार जिस तरह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वो रुक जाएगा। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के दौरान सीपीआई एमएल के नेता सीबीआई ईडी की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे पर सीपीआई एमएल के विधायक सत्यदेव राम और अमरजीत कुशवाहा ने भी लालू परिवार के समर्थन में बात रखी और कहा कि लालू परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के जरिए बिहार सरकार को गिराने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। जमीन के बदले नौकरी, ये कोई मामला ही नहीं है। वहीं महागठबंधन की इस मांग पर बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने दो टूक कहा कि बिहार में सीबीआई ईडी की डायरेक्ट एंट्री होगी और बीजेपी ऐसा कोई कानून नहीं बनने देगी जिससे सीबीआई ईडी को बिहार में छापेमारी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी हो। संजय सरावगी ने यही नहीं रुके और आगे बोले कि आरजेडी जेडीयू और सीपीएमआई एमएल जैसी पार्टियां इसलिए ये मांग कर रही हैं ताकि लालू परिवार को इस चुंगल से छुटकारा मिल सके। स्वाभाविक है कि अगर जांच एजेंसियां बिहार सरकार को छापेमारी के लिए पहले ही बता देंगी तो आरोपियों और भ्रष्टाचारियों को इसकी पहले ही जानकारी मिल जाएगी, जिसके बाद चोरों के लिए आसानी से फरार होना संभव होगा। साथ ही संजय ने ये भी कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कई सबूत हैं। ऐसे में दोनों गुटों की बयानबाजी और क्या नया रूप लेती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।